हिमाचल प्रदेश में मौसम बदल चुका है। बदला इसलिए क्योंकि कई दिनों बाद वादियां एक बार फिर बर्फ से गुलजार हो चुकी है। आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। क्या लाहौल स्पीति, क्या मनाली और क्या शिमला, हर जगह चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। छह अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राशेल, लाहौल स्पीति से पहली तस्वीर, मनाली से दूसरी, अटल रोहतांग टनल से तीसरी तस्वीर है और चौथी तस्वीर जनजातीय जिला किन्नौर की है। मंडी की अगर बात करें तो कल झमाझम मेघ मंडी में भी बरसते नजर आए थे और राजधानी शिमला में भी मौसम सुहावना बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है और इस वक्त हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद है, किन्नौर से अनिल नेगी और मनाली से कमलेश बोध। सबसे पहले कमलेश बोध के पास चलते हैं, मनाली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, मनाली की अगर बात करें तो आज मौसम कैसा? देखिए महिमा, मनाली के अगर मौसम की बात करूं तो मैं पिछले कल से लगातार बारिश व बर्फबारी हो रही है। खासकर तो मनाली का जो ऊपरी इलाका है वहां पे लगातार रूप से बर्फबारी हो रही है। अभी मनाली के पास हम खड़े हैं, यहाँ की ग्राउंड जीरो की क्लिप दिखाना चाहूंगा। इस तरह से देखिए जो लगातार जो बर्फबारी हो रही है, उसके बाद जो पूरी पूरी जो मनाली घाटी है वो सफेद चादर में पूरी तरह से लिप चुकी है महिमा। तो और जिस तरह से मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है आज और कल, जो है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, लिहाजा प्रशासन ने भी जो है लोगों से आग्रह किया है कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं महिमा वहां पे ना जाए। खासकर सैलानियों को जो है हिदायत दी गई है। और पिछले कल हमने देखा किस तरह से जो है मंडी का जो प्राशन का इलाका था महिमा, वहां पे कुछ सैलानी 50 के आसपास सैलानी वहां पे घूमने गए हुए थे और वो बर्फ के जो जिस तरह से वहां बर्फबारी हुई उसके बाद वहां पे फंस गए थे, जिन्हें जो है प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद जो है कल शाम को रेस्क्यू कर जो है सुरक्षित स्थान पे पहुंचाए। तो ऐसे में प्रदेश के जितने भी जो ऊपरी इलाके हैं वहां लगातार जो है पिछले कल से ही बर्फबारी हो रही है और अगले दो दिन तक जिस तरह मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है तो ऐसे ही बर्फबारी होती रहेगी। और खासकर आप जो प्रदेश के सूबे के जो मुख्यमंत्री ने भी ये आग्रह किया है कि ऊंचाई वाले इलाकों पे जो है खासकर सैलानियों को हिदायत दी गई है कि वहां पे ना जाए। और साथ में जितने भी जो जिला उपायुक्त है सभी उपायुक्तों को ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि प्रदेश का जो ऊपरी इलाका है वहां पे बिजली पानी जो है और सड़क साथ ही साथ जो ठीक है मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो, ये बात सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से कही गई है और जिला प्रशासन को से सतर्क रहने की भी अपील की है। किन्नौर से अनिल नेगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर किन्नौर की बात करें क्योंकि जनजातीय जिला है, बर्फबारी ज्यादा होती है, क्या दुश्वारियां भी बढ़ी बर्फबारी होने से? जी महिमा, देखिए बर्फबारी जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई है। इस बर्फबारी को जहां अमृतपान के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों में जो बर्फबारी होती है महिमा, उससे जो है आने वाले जो गर्मियों का मौसम होता है मैदानी इलाकों में भी जो है पानी की जरूरतें जो है ये पहाड़ी की जो बर्फबारी है वो पूरी करती है। हाँ, ये जरूर है कि इस सफेद चादर के नीचे जो अंधेरा छाया हुआ है इसके बारे में भी हमें समझना होगा, क्योंकि बर्फबारी के चलते जिला किन्नौर में जो है बीती रात से ही बिजली आंख मिचौली का खेल खेल रही है। और इस बर्फबारी से जहां किन्नौर में सेब के बगीचों में जो है सेब के बगीचों में भी इनको चिलिंग आवर्स मिलेंगे और बागवानों को भी इसका फायदा होने वाला है। अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, कमलेश बोध भी है। कमलेश, क्योंकि मनाली की अगर बात करते हैं तो पर्यटन नगरी है और ऐसे में बर्फबारी का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी मनाली आते हैं। फिलहाल पर्यटकों के बारे में जानकारी कि उनके लिए क्या हिदायत जिला प्रशासन ने जारी की और इसके अलावा पर्यटकों का क्या कहना है? और देखिए महिमा, जिस तरह से जो प्रशासन ने जो हिदायत जारी की है कि ऊपरी इलाका है महिमा, ऊपरी इलाका है वहां की ओर रुख किया ना जाए। हालांकि जो है नीचे मनाली के आसपास भी बर्फबारी हुई है, पर्यटक वहां पे जा रहे हैं। जो पास के जो पर्यटन स्थल है खासकर जो मनाली के पास जो नेहरू कुंड है वहां से भी बर्फबारी पड़ी है, तो पर्यटकों के लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कुछ पर्यटक जो है ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों की ओर जाते हैं, उस तरह के जो पर्यटक है उनके लिए हिदायत जारी की है कि ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके पे ना जाया जाए, क्योंकि जो है ज्यादा बर्फबारी होने के कारण महिमा वहां पे जो है उनकी गाड़ियां स्किड होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो है प्रशासन द्वारा उन्हें यही कहा जा रहा है कि ऊंचाई वाले इलाके में भले ही जैसे ही मौसम खुल जाएगा दो तीन दिन के बाद, तो उसके बाद वहां जाने के लिए जो है प्रशासन की ओर से अनुमति मिल जाती है। लेकिन हाल फिलहाल जो है रोहतांग टनल को भी बंद कर दिया गया है और जो रोहतांग पास का जो दूसरा छोर है वहां के लिए भी जो है पर्यटकों को जो है
जो है मनाही की गई है। ठीक है, मनाही की गई है और पर्यटकों को अब जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। कमलेश आप हमारे साथ बने रहिए, अनिल नेगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, अगर किन्नौर की बात करें तो यहाँ पर ट्रैकिंग को लेकर भी आदेश जिला प्रशासन ने जारी किए कि ट्रैकिंग भी नहीं हो सकती और इसके अलावा अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर भी कहा गया। फिलहाल बागवानों को क्या राहत? देखिए महिमा, जिला प्रशासन की ओर से जो जिला में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अभी भी लगा हुआ है, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पहाड़ियों की ओर जाने से सख्त मनाई की गई है क्योंकि पहाड़ों पर अत्यधिक बर्फबारी हुई है। ऐसे में इस बर्फबारी से जो है ग्लेशियरों के गिरने का खतरा बना रहता है। हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी तक किसी प्रकार के ऐसे घटना की सूचना नहीं मिली है, लेकिन हाँ, इस बर्फबारी से जरूर यह है कि बागवानों को राहत की सांस ली है क्योंकि इस बर्फबारी से जो है सेब के बागीचों में चिलिंग आवर का समय भी पूरा हुआ है और सर्दियों में जो बीजे जाने वाले जैसे मटर है और भी जो नकदी फसल है उसको जो है सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी महिमा। और इस बर्फबारी के चलते आज जो है जिला किन्नौर में कई जो दुर्गम क्षेत्रों में जो है बसों की जो है रूटें प्रभावित हुई है। ठीक है, प्रभावित हुई है। एक बार बैकग्राउंड की तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए। चलिए, शुक्रिया अनिल नेगी और कमलेश मोदी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है और इस बाबत अब आपको किन्नौर के बारे में बताएंगे कि कल किस तरह से किन्नौर में बर्फबारी हुई। और आपको बता दें कि किन्नौर में भी मौसम खराब है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, मैदानों में भी आज बर्फबारी हुई और रुक रुक कर हिमपात जारी है। हालांकि अभी निचले इलाकों की अगर बात करें तो ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन पूरा जो जिला है वो ठंड की चपेट में आ चुका है, लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अनिल नेगी की तरफ से भी विस्तार से जानकारी दी गई थी कि बसों के जो रूट्स हैं वो भी प्रभावित हुए हैं और लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।